तुम बहुत अच्छी हो आयशा। मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया, बहुत बुरा भला कहा तुम्हें, लेकिन तुमने कभी उफ नहीं की। आयशा जी, तूबा की कॉल आई थी? हाँ जी आई थी, कह रही थी कि दावत करनी है उसको सबकी। फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत है यार, अभी उस रातों खाना खा के आए उसकी तरफ। फॉर्मेलिटी की बात नहीं है, ये रस्म होती है। जब भी लड़की अपने नए घर में जाती है तो वो अपने मायके वालों की दावत करती है और मायके वाले तोहफे तोहफ लेके जाते हैं उसके लिए। आप ये समझ लें कि ये एक बहाना होता है कि सब मिल बैठ जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जाना चाहिए हमें, तूबा खुश हो जाएगी। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? तुम बहुत अच्छी हो आयशा। मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया, बहुत बुरा भला कहा तुम्हें, लेकिन तुमने कभी उफ नहीं की, बहुत बदसलूकी की ना मैंने तुम्हारे साथ। लेकिन क्या करूं आयशा, तूबा को लेके मैं बहुत सेंसिटिव, बहुत पॉसेसिव हो जाता हूं एंड यू कांट ब्लेम मी फॉर इट। बाबा की डेथ के बाद उसे बाप बन के पाला है मैंने, पर हमेशा उसे अपनी बेटी समझा। मैं जानती हूँ आयशा, मैंने आज तक तुम्हारे साथ जो भी बदसलूकी की, जितना तुम पे जुल्म किया, मैं उसकी माफी मांगता हूँ तुमसे। प्लीज माफ कर दो मुझे। कैसी बातें कर रहे हैं आप, गुजरे वक्त को याद करने का कोई फायदा नहीं। और मैं ये बात अच्छी तरह से जानती हूँ कि एक भाई अपनी बहन की खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। सही कह रही हो तुम। उमर ने तूबा के साथ शादी मेरी खुशी के लिए तो की थी। क्या हुआ? कुछ नहीं, चले उठे। मैं खाना लगा, चेंज कर लें आप। Hey guys, I'm संबुल इकबाल और सब्सक्राइब करें ARY डिजिटल का YouTube चैनल अपना फेवरेट ड्रामा देखने के लिए।